हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम BPSC और UPSC का जो मेन्स आंसर राइटिंग का एक रोज हम लोग फॉर्मेट एक जानते हैं, एक प्रश्न पे डिस्कशन करते हैं, ताकि मतलब एक अच्छा आंसर किस तरह से लिखा जाना चाहिए और किस तरह से उसको एग्जाम में लिख करके अच्छा मार्क्स ले आया जा सके, उसके लिए हम लोग रोज किसी ना किसी प्रश्न पे डिस्कशन रोज कर रहे हैं। ठीक है, तो और आशा है कि अगर आपने अभी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पिछला वीडियो को देख लें एक बार। और इससे ये ऑडियो होता है, जो कि मतलब ये तो वीडियो के रूप में मेरा केवल ऑडियो में ही वॉइस रहता है, जिसमें हम किसी भी प्रश्न का एक कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, किसी भी प्रश्न को लिखने का एक कॉन्सेप्ट देते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि मैं उसके बारे में नॉलेज दे दें और एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ताकि एग्जाम में आप खुद से उस प्रश्न को कैसे लिख सके। क्योंकि एग्जाम में लिखने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न की मांग क्या है। और जब आपको ये सब सारी बातें पता चल जाती है कि प्रश्न की आखिर में मांग क्या है, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि ऐसा जाना जाता है, किसी चीज के बारे में अगर आपको नॉलेज हो पहले से, तो आप उसको अपनी भाषा में उसको सुनियोजित तरीके से और स्पष्ट तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको प्रश्न में हम लोग मतलब उसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि किसी भी प्रश्न में सबसे पहले उसका प्रश्न को 2-3 बार पढ़ते हैं, समझते हैं कि उस प्रश्न की प्रकृति क्या है, उस प्रश्न में आखिर में क्या, किस चीज का उसमें प्रश्न में मांग हो रहा है। तो प्रश्न को 2-3 बार पढ़ने के बाद में यही पता चलता है कि सबसे पहले तो प्रश्न का परिचय देते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक हो गया उसका परिचय देते हैं, फिर उसके बाद से उसका मेन बॉडी लिखते हैं। ठीक है, और एक दूसरे लास्ट पैराग्राफ में उसको क्या बोलते हैं, उसको उसका निष्कर्ष लिख देते हैं। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है, आज का प्रश्न हमने BPSC के एग्जाम में पूछा गया एक प्रश्न है, और बहुत ही ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, फेमस क्वेश्चन रहा है ये, और हर बार BPSC ने इसको पूछा है। तो इस प्रश्न को ये प्रश्न का प्रश्न है जो 64वीं BPSC, 60वीं से 62वीं BPSC, 53वीं BPSC, 55वीं और 47वीं BPSC में ये लगातार ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, प्रश्न है कि मौर्यकालीन मूर्तिकला के विशेषताओं को बताएं, जो मौर्यकालीन मूर्तिकला के विशेषताओं को बताएं। तो ये BPSC में लगातार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और ये बिहार से संबंधित भी है, तो चूंकि मौर्य का तो उत्कर्ष हमारे बिहार को ही माना जाता है, मगध से मौर्य का उत्कर्ष हुआ, तो इसमें इस प्रश्न को बिहार में पूछने का एक किसका व्यू भी बन जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो इस प्रश्न को लिखने से पहले क्या करेंगे, प्रश्न को 1-2 बार पढ़ेंगे हम कि आखिर इस प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न की मांग क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मौर्यकालीन मूर्तिकला के विशेषताओं को बताएं। तो इसमें सबसे पहला ही पॉइंट है कि मौर्यकालीन, ठीक है, यानी कि मौर्य के समय में, और मूर्तिकला, तो मौर्य के समय में मूर्तिकला का एक छोटा सा परिचय दे देंगे। तो परिचय में हम शुरुआत कर सकते हैं कि जैसे मौर्य शासकों ने, ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे, मतलब एक छोटा सा इंट्रो देंगे, ठीक है, परिचय देंगे। क्योंकि ये प्रश्न मतलब 35 नंबर के होते हैं, 35 अंक के पूछे जाते हैं BPSC में, तो इसको लिखने के लिए थोड़ा सा तो शब्द में तो लिखना पड़ेगा, तो कम से कम मतलब 400 शब्दों में तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो ताकि मतलब पेज के अनुसार और जो प्रश्न में दिया जाता है उसके अनुसार तो इसको लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न को 1-2 बार फिर से हम रिपीट करते हैं, मौर्यकालीन मूर्तिकला की विशेषताओं को बताएं। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहला प्रश्न है मौर्यकालीन, यानी कि मौर्य के समय का मूर्तिकला, ठीक है, मतलब मौर्य के समय का मूर्तिकला का एक छोटा सा परिचय दे देंगे। ठीक है, तो इंट्रो हम शुरुआत कैसे करेंगे, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या यही आती है एग्जाम में कि भाई शुरुआत करे तो करे कहाँ से, ठीक है, ये समझ में नहीं आता। और प्रश्न को लिखने से पहले दिमाग में एक छोटा सा माइंड मैप, जिसको बोला था, माइंड मैप तैयार कर लें आप, ठीक है, कि आखिर में इसका परिचय किस तरह से लिखेंगे, जैसे ही कि कोई एग्जामिनर इसको चेक कर रहा है तो कैसे इफेक्टिव होगा, कैसे उसको आगे की ओर पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, किस तरह से उस मतलब वो और ज्यादा नंबर दे सकता है, नहीं तो बस, तो इसको शुरुआत कैसे करेंगे। तो मौर्य शासकों ने ऐसे कर सकते हैं कि मौर्य शासक जो थे वो वास्तुकला की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जी बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, तो उत्खनन के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लगभग
1500 वर्षों के बाद पहली बार मौर्य काल में वास्तुकला तथा मूर्तिकला को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिला। ये बात सही है कि उत्खनन के मतलब चूंकि वो सब तो लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और मतलब पूरा तात्विक अभिलेख भी सब उपलब्ध है, जिसकी वजह से हम मौर्य शासक का जो मौर्य कालीन जो मूर्तिकला है उसको या फिर जो वास्तुकला है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो छोटा सा ये इंट्रो, मतलब इसमें कुछ और पॉइंट्स हम इंट्रो में लिख सकते हैं कि मौर्यकालीन मूर्तिकला के अध्ययन हेतु साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की भरपूर उपलब्धता है। जी बिल्कुल, जैसे कि हम साहित्यिक स्रोतों में देख सकते हैं कि आपस्तंभ गृह सूत्र तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये वही कौटिल्य थे जिसने चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, मतलब उनको एक सशक्त राजा बनने की प्रेरणा दी। ठीक है, जैसे कि घनानंद के दरबार से कौटिल्य को जब निकाल दिया जाता है तो कौटिल्य आते हैं और कौटिल्य आकर के चंद्रगुप्त मौर्य को एक सशक्त राजा बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो उनका ही एक पुस्तक है कि जैसे इसमें आगे वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि साहित्यिक स्रोतों में आपस्तंभ गृह सूत्र तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है और पुरातात्विक स्रोतों में ये देख सकते हैं कि मौर्यकालीन मूर्तियों की बड़ी संख्या में प्राप्ति यह साबित करती है कि मौर्य काल में मूर्तियां रही हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों में जैसे अशोक का स्तंभ आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा हमें जान सकते हैं कि मौर्यकालीन में मूर्तियां रही हैं। यहाँ एक मतलब ये दिलचस्प बात यह है कि मौर्य काल में शानदार पॉलिश युक्त मूर्तियां जो है तो प्राप्त हुई है, किंतु कोई स्पष्ट मूर्ति निर्माण शैली नहीं है। हाँ, ये भी देखा जा सकता है कि कोई स्पष्ट यहाँ पे मूर्ति निर्माण की शैली नहीं है। जैसे कि हम शैली में देखते हैं कि गंधार या मथुरा कला शैली या फिर भी मौर्यकालीन मूर्तियां जो है वो विशिष्ट है, मतलब एक अपना एक खास रूप छोड़ती है। ठीक है, और फिर उसके बाद से चूंकि प्रश्न को देखेंगे तो मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक छोटा सा इंट्रो हो गया ये। ठीक है, ये केवल मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एक आंसर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए इसका आंसर इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगला इस प्रश्न का एक और पॉइंट हो सकता है कि पॉइंट ये है कि मौर्यकालीन मूर्ति कला, तो इसका परिचय मैंने दे दिया। ठीक है, और उसके बाद है कि विशेषताओं को बताए, अब इसका क्या क्वालिटी था, वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इन सारी विशेषताओं को अब कैसे लिखेंगे। तो इस पे विशेषताओं में हम लिख सकते हैं कि जैसे अशोक के जो स्तंभ है, पॉइंट दे दे करके हम लिख सकते हैं विशेषता। ठीक है, पॉइंट दे करके लिखे या छोटे छोटे पैराग्राफ बना करके लिखे, तो पॉइंट दे करके ही लिखना बेहतर है, चूंकि क्वालिटी मतलब छोटा छोटा लाइन होगा ना, तो बार बार छोटा छोटा पैराग्राफ देना उचित नहीं है और मेरे ख्याल से नहीं होगा। आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास मतलब पहले से कुछ नॉलेज है, पहले से आपने किसी बुक को पढ़ा है, तो आप उसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट दे करके ही आपको लिखने का बताएंगे कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। लिख सकते हैं जैसे विशेषता में कि निम्नलिखित विशेषताएं हैं, और उसके बाद एक डॉट दे देंगे, मतलब एक एरो दे देंगे, और फिर उसे पॉइंट वाइज लिखेंगे कि अशोक के स्तंभों से तत्कालीन भारत के विदेशों से संबंधों का खुलासा होता है। ठीक है, जो अशोक का स्तंभ है तो विदेशों का भी खुलासा होता है उसमें। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण चिपकावा विधि जो होता है, जिसको उंगलियों या चुटकियों का इस्तेमाल करके या सांचे में ढाल करके किया जाता था। भाई क्वालिटी है ये, उसका तो ये क्वालिटी हुआ ना, तो इसको लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी ये आप लिख सकते हैं इसमें कि चमकदार पॉलिश मूर्तियों की सजीव भाव अभिव्यक्ति, एकाश्म पत्थर द्वारा निर्मित पाषाण स्तंभ एवं उनके कलात्मक शिखर या शीर्ष पत्थरों पर पॉलिश करने की कला इस काल में इस स्तर पर पहुंच गई थी कि आज भी अशोक की लाट की जो पॉलिश है वो शीशे की भांति चमकती है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मतलब जो भी मूर्तियां जो थी उसपे पॉलिश किया जाता था, चमकदार पॉलिश किया जाता था। एकाश्म पत्थर का मतलब ये हुआ, यहाँ पे मैंने बताया एकाश्म पत्थर मतलब एक ही पत्थर को काट करके निर्मित पाषाण स्तंभ, मतलब आपको पत्थर का पाषाण का मतलब होता है पुराना पत्थर। ठीक है, पुराने पत्थर से स्तंभ एवं कलात्मक शिखर, उसका जो कला से जो शिखर जो शीर्ष बनता था किसी भी स्तंभ का, जैसे कि आप अशोक स्तंभ में देख सकते हैं वो क्या होता था, उसपे पॉलिश कर दिया जाता था, और पॉलिश कर दिया जाता जिसकी वजह से आज भी जो अशोक का जो मूर्ति है अशोक का, तो उसका जो लाट है, अशोक की जो लाट है मतलब बाल को बोला जाता है लाट, वो आज भी शीशे की भांति चमकती है। तो ये भी क्वालिटी हुआ ना, इसको भी आप लिख सकते हैं। और ये भी आप इसमें लिख सकते हैं
कि मौर्यकालीन जो मृण मूर्तियां के विषय हैं, ठीक है, तो कुछ आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं उसमें, जैसे पशु पक्षी खिलौना और मानव अर्थात ये मृण मूर्तियां गैर धार्मिक उद्देश्य वाली हैं, ठीक है, इसमें किसी धर्म की प्रधानता नहीं दी गई है, समझे, तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि मौर्य काल में जो प्रस्तर मूर्ति निर्माण में चुनार का जो बलुआ पत्थर था, बलुआ पत्थर और पारखम जो मथुरा जिला में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सिर्फ जो वहां से जो प्राप्त हुई है यक्ष की मूर्ति में चित्तीदार लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जो यक्ष की मूर्ति हमको पारखम मथुरा जिला उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, तो उसमें जो है ना चित्तीदार लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। आप आगे पॉइंट लिख सकते हैं कि मौर्य काल की मूर्तियां अनेक स्थानों, जैसे आप पाटलिपुत्र देख सकते हैं, चूंकि बिहार के ही भाग में ज्यादातर पाया जाएगा, लेकिन मौर्य साम्राज्य तो बहुत जगह तक फैला हुआ था ना, अफगानिस्तान से लेकर के और दक्षिण भारत तक भी फैला हुआ था, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक कि श्रीलंका में भी मौर्य का प्रचार प्रसार हुआ था, जैसे कि आप लोग पढ़ते हुएगा, ठीक है, मौर्य का उत्कर्ष या मगध का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य पढ़ते हुएगा, तो उसमें ये बताया जाता होगा आपको, आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो मौर्य काल की जो मूर्तियां हैं जो अनेक स्थानों से पाई गई है, जैसे कि पाटलिपुत्र से, वैशाली से, तक्षशिला से, ठीक है, मथुरा, कौशाम्बी, अहिछत्र, सारनाथ इत्यादि जगहों से पाई गई है, ठीक है। आगे ये लिख सकते हैं कि प्रस्तर मूर्तियां अधिकांशतः शासकों द्वारा बनवाई गई है, जो प्रस्तर मूर्तियां हैं वो शासकों द्वारा बनवाई गई, और फिर भी किसी देवता जो है ना, फिर भी किसी देवता को प्रस्तर मूर्ति से नहीं डाला गया है, ठीक है, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। फिर इसमें लिख सकते हैं कि आप कला सौंदर्य एवं चमकदार पॉलिश की दृष्टि से सम्राट अशोक के समय की मूर्तिकारों को सर्वोत्तम माना गया है, ठीक है, जैसे कला हुआ, कला सौंदर्य, ठीक है, चमकदार पॉलिश की दृष्टि से सम्राट अशोक के समय की मूर्तिकारी को सर्वोत्तम माना गया, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। फिर ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो पारखम जो यूपी वही मथुरा जिला से जो प्राप्त 7 फीट की यक्ष की मूर्ति है, वहां पे जो यक्ष की मूर्ति वो 7 फीट की है, ठीक है, दिगंबर की प्रतिमा ये लोहानीपुर पटना से मिला है, धौली उड़ीसा का हाथी, एक हाथी की भी प्रतिमा मिली है, तथा दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति मौर्य कला के विशिष्ट उदाहरण के रूप में, पर मतलब विशिष्ट उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है। तो ये सब सारी क्वालिटी है, ठीक है, कुछ और इसमें पॉइंट आप, मैं इतना ज्यादा आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि बता दे रहा हूँ कि ताकि आपको एग्जाम में मतलब ये सोचना ना पड़े कि हमको क्या लिखना है, क्या लिखें, तो ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तब ना। और हाँ, आप इसको कॉपी पे क्या कीजिएगा, मेरी ऑडियो को सुन करके आप कॉपी पे इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मेट है, ठीक है, और इसको आप एग्जाम में लिख करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और भी इसमें पॉइंट हम विशेषता में लिख सकते हैं कि कुछ जो विद्वान थे उनके अनुसार, जैसे विद्वानों के अनुसार जो मतलब किसी साहित्यिक स्रोतों के द्वारा ये पता चलता है कि जो मौर्यकालीन मूर्तिकला जो था ना उस पर ईरान और यूनान की कला का प्रभाव था, बिल्कुल ईरान और यूनान से संबंध रहे हैं ना, यूनान और ईरान से मौर्य साम्राज्य का संबंध रहा है। फिर आगे एक और पॉइंट लिख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिखा जा सकता है, ठीक है, कि सारनाथ के शीर्ष पर, जो सारनाथ जो हमारे भारत देश का प्रतीक चिन्ह है, जिसको अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृतियां, जो 4 शेर हैं उनकी आकृतियां, तथा उसके नीचे की जो वल्लरी आकृतियां हैं जिसपे मतलब पशुओं का, जैसे उसपे है मतलब बैल, गेंडा और फिर से मतलब 2 और 4 जानवरों का है और 4 सिंह का, ठीक है, तो वल्लरी की आकृतियां अशोककालीन मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना है, ठीक है, ये बेहतरीन नमूना है, सबसे बेहतरीन नमूना, ऊपर 4 सिंह, नीचे 4 पशु, और वो उसपे ना वो कटिंग करके बनाया गया है, ठीक है, तो वो मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना है, और वही आज हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में देखा जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को देखा जाता है, ठीक है। आप ये भी एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि बराबर पहाड़ियों पर जो नकाशीदार रॉक कट, रॉक का मतलब पहाड़ी होता है, रॉक कट गुफा मौर्यकालीन मूर्तिकला परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स को आप एग्जाम में लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा, पेन डाउन कर लीजिए आप कॉपी पे, ठीक है, और A4 साइज की पेपर का आपके पास कॉपी होगा, उसमें सबसे पहले आप प्रश्न को लिख लेंगे और फिर इसको ये सारे पॉइंट्स को लिख लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी प्रश्न में
सबसे पहले परिचय, फिर उसका प्रश्न की प्रकृति क्या है, मांग क्या है, उसको लिखेंगे, और देन लास्ट में हम लोग सब क्या करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, एक निष्कर्ष लिखते हैं। क्योंकि निष्कर्ष जो होता है ना, वो सारे मेन बॉडी का, ठीक है, सारे मेन बॉडी का और प्रश्न का एक सबसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, निचोड़ करके एक ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ ऐसे शब्द लिखते हैं जो इफेक्टिव करता है, हमारे प्रश्न को इफेक्टिव करता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी एक एक निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। तो इस कंक्लूजन में लिखेंगे हम कि रॉक कट मूर्तिकला की जो परंपरा है, ठीक है, जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के अंत से दूसरी शताब्दी तक प्रमुख रही थी, बिल्कुल सही बात है, इसकी जो जड़ें हैं मौर्य काल में हैं, बाद की अवस्था में ये मूर्तियां भारतीय वास्तुकला की विशिष्ट विशेषताएं बन गई, बिल्कुल, और विशिष्ट विशेषताएं इस प्रकार भी बन गई है कि आज हमको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ को हम लोग अपनाते हैं, जो कि मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद से हम ये भी लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि मूर्ति कला की खूबसूरती मौर्य काल की देन है। ऐसी एक छोटा सा, मतलब ये आप कंक्लूजन लिख देंगे और अपने मतलब उत्तर की समाप्ति करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से एक हमने फॉर्मेट जाना, एक कॉन्सेप्ट जाना कि मौर्य काल की जो मतलब मूर्ति कला की विशेषताओं को मतलब क्या क्या होना चाहिए, तो इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, और आप बिहार का किसी भी एग्जाम को देते हैं जो मेंस से रिलेटेड एग्जाम है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये तो मौर्यकालीन मूर्तिकला के संबंध में हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे मौर्यकालीन हस्तशिल्प क्या था, ठीक है, उसके बारे में हम कोशिश करेंगे। तो अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, और कुछ जो मतलब अगर आप लोगों को लगता है कुछ और सुधार करना चाहिए और किस तरह से क्या सजेशन आपको देना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कुछ नहीं जाता, एजुकेशनल चैनल है, और कर लीजिएगा सब्सक्राइब, तो आपके लिए ही बेनिफिट। और नोट बेल जो बगल में जो एक बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो नेक्स्ट बार में अपलोड करें, ठीक है, वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, और इस ऑडियो को एक से दो बार आप सुनिएगा, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि इसमें सारे कॉन्सेप्ट को मैंने कोशिश किया है देने का, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ऑडियो टाइप का है, आप इसको कान में ईयरफोन लगाइए और कोई काम करते समय में, फिर इसको कभी भी आप एक बार, लेकिन पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा, इसमें के जो भी पॉइंट्स है पेन डाउन कर लीजिएगा, और इसको मतलब पढ़ने के बाद, लिखने के बाद इसको आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो एग्जाम मतलब पढ़ने वाले हैं, उनको करवा दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और जो कोई गलती अगर कुछ सुझाव आप लोगों को देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगला वीडियो जो मेरा होगा वो मौर्यकालीन हस्तशिल्प से रिलेटेड होगा। ठीक है, प्रश्न भी बता देता हूं मैं कि प्रश्न ये होगा मौर्यकालीन हस्तशिल्प कला के विशेषताओं को बताएं। ठीक है, क्योंकि ये सब हम एक बार अगर जान जाते हैं, जान लेंगे, तो फिर मतलब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा भी गया है, तो जानना जरूरी है। ठीक है, आशा करते हैं कि मैं आप लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और अच्छा से आप लोगों को समझा पाऊंगा, और अच्छा से मैं शायद इस प्रश्न को समझा पाया। चलिए ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, सुनने के लिए, और जुड़े रहिए हमारे GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। हम बहुत सारे ऐसे चीजों को भी उसमें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें, जैसे घटना चक्र का एक सीरीज हमने स्टार्ट किया था, लेकिन किसी कारण बस टाइम के अभाव की वजह से मैं उसको नहीं पूरा कर पाया, लेकिन अब बहुत जल्दी ही बायोलॉजी का एक सेक्शन चालू होगा, फिर एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का भी घटना चक्र का एक सीरीज मैं चालू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं जो प्री का एग्जाम देने वाले हैं, जैसे UPSC का प्री या फिर BPSC का प्री, जो 66वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का रेलवे, NTPC या कोई भी एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL से लेकर के SSC CHSL, DRDO या कोई भी जिसमें GS से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, उसका मैं यहाँ पे तैयारी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज आप लोगों से आग्रह है कि इतना सारा कुछ मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आई होप आगे से इतना लंबा वीडियो नहीं बना पाएंगे हम। ठीक है, कोशिश करेंगे कि बहुत कम ही टाइम में बना पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और थैंक यू जुड़े रहने के लिए GSIQ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के द्वारा। चलिए।